चार्जिंग लोगो स्टक सैमसंग M30 आज हमारे पास आया है। इसका CPU और रैम दोनों रिबुल कर लिए हैं। ये ड्राई हो जाते हैं, इस वजह से ये दिक्कत आती है। मोबाइल ज़्यादा हीटिंग होने की वजह से इनका जो अंदर के पैड होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, इस वजह से ये लोगो पे स्टक हो जाता है, रीस्टार्ट करने लग जाता है, सही से काम नहीं करता। तो इसके ये दोनों रिबुल करने पड़ते हैं, तो इसलिए हमने ये दोनों रिबुल कर लिए हैं। हम एक एक करके इसको मदरबोर्ड के ऊपर पेस्ट करेंगे और फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि डिवाइस बिल्कुल सक्सेसफुली ऑन हो गया है। अभी हमने CPU पेस्ट कर लिया, अभी हम रैम पेस्ट करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए सैमसंग की रैम लगी हुई है इस पर, और रैम चेंज भी हो जाती है। अगर ये 4 GB है तो हम इसको 6 GB भी कर सकते हैं, रैम चेंज कर सकते हैं मोबाइल के अंदर, तो अपग्रेड भी हो सकती है रैम। अगर ये ख़राब हो जाती है तो हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं रैम को। और ये रैम भी लग चुकी है हमारी लगभग। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना वीडियो को, प्रोफाइल को फॉलो करें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें। और ये लास्ट में देखना, मोबाइल बिल्कुल परफेक्ट ऑन हो जाएगा और एकदम सही तरीके से वर्क करेगा, कस्टमर को दोबारा ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें DM कर सकते हैं और हम आपको भी रिपेयर करके दे सकते हैं।